हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। देश में फैल रही कोरोना महामारी पर सरकार पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। एक बार फिर पीएम मोदी ने प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और 3 मई को खत्म हो रहे लॉकडाउन के बाद के हालातों पर चर्चा की गई। कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग और लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में प्रधानमंत्री ने देश में कोरोना वायरस महामारी की वजह से लगे लॉकडाउन और उससे बने हालात पर चर्चा की। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, पीएमओ और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शामिल हुए। बैठक में तय हुआ कि जो प्रदेश कोरोना से ज्यादा प्रभावित है वहां लॉकडाउन जारी रहेगा। जिन राज्यों में हालात काबू है वहां जिलेवार कुछ रियायतें दी जाएंगी, लेकिन लॉकडाउन पर आखिरी फैसला 3 मई तक ही लिया जाएगा। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लॉकडाउन से काफी लाभ मिला है। इस बैठक के दौरान पीएम मोदी ने हरियाणा सरकार के फैसलों से भी अवगत कराया। बैठक के दौरान सीएम मनोहर लाल ने बताया कि कोरोना संकट में हरियाणा हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके साथ ही प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को सुरक्षित तरीके से शुरू करने का भी प्रयास किया जा रहा है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए इस बारे में जानकारी दी। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हुई बैठक में हरियाणा की कोरोना वायरस से निपटने के लिए की गई तैयारियों तथा आर्थिक गतिविधियों को सुरक्षित रूप से पुनः शुरू करने के लिए किए गए प्रयासों से अवगत कराया। तो वहीं सीएम के साथ बैठक में मौजूद प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी बताया कि जिन जिलों को रेड जोन में रखा गया है वहां अभी लॉकडाउन जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में आर्थिक गतिविधियां तेज करने पर विचार होना चाहिए। उन्होंने बताया कि हरियाणा में 73 लाख कर्मचारी काम पर वापस लौट आए हैं। प्रदेश में जल्द ही परिवहन व्यवस्था शुरू किए जाने की भी संभावना है। हमने अधिकारियों को इसके लिए योजना बनाने को कह दिया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि पीएम मोदी ने भी आज कहा कि अगले 4-5 दिनों में केंद्र सरकार उद्योगों के रिवाइवल के लिए हरियाणा को आर्थिक पैकेज दे सकती है। फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए केवल मात्र हरियाणा ही नहीं, पूरे देश का प्रत्येक राज्य केंद्र के ऊपर आंख लगाए बैठा और उम्मीद रखते हैं कि अगले 4-5 दिनों में केंद्र भी इसके ऊपर अपना निर्णय लेगा। प्रधानमंत्री ने भी उस बात को आज बोला है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री इसके ऊपर वर्किंग कर रही है। जैसे 1,70,000 करोड़ का पैकेज प्रधानमंत्री ने दिया था, हम उम्मीद करते हैं कि अब प्रधानमंत्री जो हमारी इंडस्ट्री है, जो हमारी एमएसएमई है, इसके रिवाइवल के लिए भी फैसला लेंगे। पीएम मोदी ने भी बैठक में कहा था कि आर्थिक व्यवस्था को लेकर टेंशन ना ले, हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी है। हालांकि अब सभी तस्वीरें 3 मई के बाद ही साफ हो पाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, तो आज चर्चा यही करेंगे कि इस वक्त हालात कैसे हैं, क्या 3 मई को लॉकडाउन खोल देना चाहिए, राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई प्रधानमंत्री की बैठक में क्या क्या चर्चा रही, और साथ ही साथ इस वक्त क्या क्या जरूरी है हिंदुस्तान के इकोनॉमिकल रिवाइवल के लिए, क्योंकि इस वक्त इकोनॉमी पर असर तो पड़ ही रहा है। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हमारे साथ जुड़ गई हैं हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर। डॉक्टर स्वाति, शुक्रिया, आप इस लॉकडाउन में भी वक्त निकाल रहे हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जैसे लोग जो एक्सपर्ट्स हैं वो सामने आए और लोगों को बताएं कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, इसलिए एक बार फिर से आपका शुक्रिया। थैंक यू गौरव। आपको लगता है कि 3 तारीख को लॉकडाउन पर के खुलने पर जो चर्चा हो रही है इस वक्त राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ, उसमें ये पॉइंट रेज करना चाहिए ज्यादातर मुख्यमंत्रियों को, और ये सरकार को भी समझना होगा कि इस वक्त भी हम पूरी तरह से नहीं जीत पाए हैं और लॉकडाउन कंटिन्यू करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है? देखिए, कहीं ना कहीं इस बात का आंकलन तो हो ही रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिन्होंने लॉकडाउन एक्सटेंशन की अपील करी है, उन्होंने प्रधानमंत्री जी से आह्वान किया है कि इसको और बढ़ाया जाए।
लेकिन मुझे लगता है कि वही बड़ा एक संभव वैसा शायद डिसीजन होगा, जहां जिन एरियाज में नहीं है वहां थोड़ी रियायत दी जाएगी, जो कि हम अभी देख भी रहे हैं गौरव, जहां जहां केसेस नहीं ज्यादा है वहां पर रियायतें और बढ़ाई भी गई हैं जो पहले थी उनसे ज्यादा। तो मेरे ख्याल से शायद वहां के जीवन को थोड़ा थोड़ा सामान्य करने की कोशिश की जाएगी, और जहां हॉटस्पॉट्स हैं वहां तो डेफिनेटली अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, वहां तो अभी थोड़ा और इंतजार करना ही होगा जब तक कि वहां पर हम लोग सही से पूरी स्क्रीनिंग ना कर लें, पता ना चल जाए। और देखिए बड़ी अच्छी खबर ये भी है कि अभी देखिए पिछले 12 जो हॉटस्पॉट्स हैं जो पहले थे वो अब वापस ग्रीन जोन में आ गए, तो ये एक अच्छी खबर है कि ऐसा नहीं है कि एक बार कोई एरिया हॉटस्पॉट हो गया तो वो हमेशा के लिए हॉटस्पॉट हो जाता है। धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जो एरियाज हैं वो वापस ग्रीन जोन में भी आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं आज प्रधानमंत्री जी ने अपील भी करी है सारे राज्य के चीफ मिनिस्टर्स से कि उन्हें कोशिश करनी है कि उनके रेड जो है वो ऑरेंज में तब्दील हो, ऑरेंज जो है वो ग्रीन में तब्दील हो। तो मेरे ख्याल से ये एक कंटिन्यूस प्रयत्न है जो हर स्टेट को इस वक्त करना ही होगा कि ताकि जल्दी से जल्दी हम उस स्थिति की तरफ जा पाए जहां हमारा लॉकडाउन खुले। तो मेरे ख्याल से लेकिन हाँ देखिए अभी मेरे ख्याल से पूरे इंडिया पे शायद लॉकडाउन अब ना लगे, मुझे लग रहा है ऐसा कि शायद जहां जहां एरियाज में अब केसेस कम है वहां वहां ये रियायतें दी जाएंगी, ढील दी जाएगी, पर वहीं लोगों को उतना ही ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा क्योंकि कभी भी स्थिति पलट सकती है, और ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि स्थिति ना पलटे उसके लिए ये सब हमारे ही हाथों में है कि हम कितनी लापरवाही नहीं करते, हम कितने अच्छे से सब नियमों का पालन करते हैं और इन बातों का हमेशा ध्यान रखते हैं कि कोरोना के कदम कभी भी हमारे एरिया में भी पड़ सकते हैं, तो हम उसे ना होने दें, ऐसा ना होने दें। ठीक है, तो क्या जो ग्रीन जोन है, बींग अ डॉक्टर, आपको लगता है जो ग्रीन जोन जिले हैं उनको अंदर अंदर, मतलब जिले के बाहर से कोई इंटर ना करे और जिले से बाहर कोई ना जाए, अंदर अंदर उनको पूरा खोल दिया जा सकता है? पूरा तो अभी भी नहीं खोल पाएंगे गौरव, मेरे ख्याल से स्टेप वाइज वे में होगा, धीरे धीरे खोला जाएगा, क्योंकि एकदम से खोलने का मतलब तो वही हो जाएगा कि फिर से उतनी ही भीड़ लगेगी, उतने ही लोग इकट्ठे होंगे, पर धीरे धीरे ग्रेडेड मैनर में, शायद जैसे कि अभी शुरुआत की गई थी कि पहले कुछ दुकानों को, खास दुकानों को परमिशन दी गई, फिर बाद में धीरे धीरे पड़ोस की दुकानों को भी परमिशन दी गई कि वो खोल लें, तो इस तरह से धीरे धीरे मेरे ख्याल से खोला जाएगा, एकदम से तो शायद कहीं भी नहीं खोल पाएंगे। और एक बहुत जरूरी बात का जो ध्यान रखना होगा वो ये होगा कि जो लोकल कम्यूट है, जो लोग जिस तरह के ट्रांसपोर्ट को यूज करते हैं, बस हैं, मेट्रो हैं, जो रिक्शे वाले हैं, टैक्सी हैं, इन सबको आप कैसे खोलेंगे, किस तरह से खोलेंगे, क्योंकि यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा भीड़ भी लगती है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो यहां के लिए भी नियम बनाने होंगे, और उन नियमों का पालन करने के लिए लोगों को उस चीज के लिए एक मानसिकता भी अपनी डेवलप करनी पड़ेगी कि नहीं हमें यहां भीड़ नहीं लगानी है, नहीं हमें भाग भाग के इस तरह से नहीं चढ़ना है कि बस कैसे भी ट्रेन पकड़ लें, कैसे भी बस पकड़ लें, ये सब आदतें अब हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि नहीं अगर ज्यादा भीड़ हो गई तो नहीं ट्रेवल कर सकते, हमें उतरना होगा, तो ये सब चीजों में थोड़ा वक्त तो लगेगा। मतलब इतनी जल्दी तो किसी की भी समझ में नहीं आएगा और ना शायद होगा, इसीलिए धीरे धीरे करने की कोशिश की जा रही है ताकि एक एक चीज के लिए हम लोग एडजस्ट होते जाएं और धीरे धीरे हम लोग उस लेवल पे पहुंच पाए कि हम खोल पाए, क्योंकि देखिए जहां भी जल्दीबाजी में लॉकडाउन खोले गए हैं या जहां भी बिना इंतजाम के लॉकडाउन खोले गए हैं वहां वहां दोबारा केसेस देखे गए हैं, वहां वहां सामने, जैसे चाइना के साथ भी ऐसा हुआ था कि वहां दोबारा केसेस सामने आने शुरू हो गए थे, तो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में इसका सही से गठन करके तभी इसको खोलने का मेरे ख्याल से प्रयास किया जाएगा, और वही करने की कोशिश भी कर रही है प्रशासन। ठीक है, ऐसे में जहां जहां रियायतें दी गई हैं या दी जाएंगी, क्या ज्यादा जिम्मेदारी प्रशासन की तो है ही, सरकार की तो है ही, आम लोग, चाहे वो दुकानदार हो या उसका ग्राहक हो, चाहे वो सब्जी वाला हो या उसका ग्राहक हो, चाहे वो दूध वाला हो, फल वाला हो, सब्जी वाला हो, जो भी दुकानदार हो, उसकी भी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाएगी, और जो लोग जा रहे हैं उस दुकान पे उनकी भी जिम्मेदारी ज्यादा होगी? हाँ बिल्कुल गौरव, ये और ये बहुत अच्छी बात है। देखिए हम इस वक्त इस समय में हम एक दूसरे को टोक सकते हैं, एक दूसरे को बोल सकते हैं कि आप भी निगरानी, इन सब बातों का ध्यान रखिए, अगर हम किसी को देखते हैं कि किसी ने मास्क नहीं लगाया, या हम देखें कि कहीं लोग चार पांच लोग इकट्ठे होकर बात कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं, तो आई थिंक हम सबका भी उत्तरदायित्व बनता है कि हम उन्हें टोकें, उन्हें समझाएं, अपने जहां पर हमारे एरियाज हैं, हमारी दुकान है, हमारी फैक्ट्री, हमारी मिल, हमारे काम करने वाले जगह पे हमें भी ध्यान रखना होगा कि हम इन
सब बातों का पालन करें, क्योंकि ये बिल्कुल जैसे प्रधानमंत्री जी ने अभी मन की बात में बोला, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो ये बिल्कुल वही वाला हिसाब है। और सबसे जरूरी बात यही है कि जो लोगों के एरियाज में कोरोना वायरस इन्फेक्शन ने अभी दस्तक नहीं दी है या वहां ज्यादा नहीं हुए हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है ये बात सोचना कि बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं होना है। उन्हें ये नहीं सोचना है कि हमारे यहां नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। अगर जरा सी भी लापरवाही करेंगे तो ये कभी भी आपका एरिया भी हॉटस्पॉट बन सकता है, रेड जोन बन सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके एरिया में रिलैक्सेशन और बढ़ते जाएं, जीवन सामान्य की तरफ चले, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि एक व्यक्ति भी गलती करता है, और हमने कोरोना वायरस के साथ संक्रमण के साथ ये बहुत साफ साफ देखा है कि एक व्यक्ति कितने सारे लोगों को संक्रमित करने की शक्ति रखता है, क्षमता रखता है। तो अगर एक व्यक्ति ने भी गलती करी तो हो सकता है पूरे जो डिस्ट्रिक्ट है उसको उसका खामियाजा ना भुगतना पड़े, या पूरे जो उसका कस्बा है उस पूरे को उसका उठाना पड़े खामियाजा। तो इससे अच्छा है कि हर व्यक्ति इस वक्त ध्यान रखे कि उनको, हर एक व्यक्ति इसमें इम्पोर्टेंट है, तो हर किसी को ये ध्यान रखना होगा कि हमें सारे एहतियात बरतने हैं, जितनी भी प्रिकॉशंस हमें बताए जा रहे हैं उनका हमें पालन करना है। ठीक है, हमने देखा है कि कैसे एक पुलिस वाले को ड्यूटी के दौरान कोरोना होता है, वो अपने घर आता है, उसके मम्मी पापा को, उनकी बेटी को, कोई आता है उनकी बहन को इन्फेक्ट हो जा रहा है। ऐसे में क्या जो लोग काम कर रहे हैं बाहर, क्योंकि अब हरियाणा ने फैसला किया है कि दिल्ली से हरियाणा जो लोग काम करने आते हैं या हरियाणा से जो लोग दिल्ली काम करने जाते हैं वो सीमाएँ पूरी तरह से सील कर दी जाएँ, क्योंकि हरियाणा के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री का ये एलिगेशन है कि ज़्यादातर मामले जो हरियाणा में हैं उनका किसी न किसी से, चाहे तबलीगी के रूप में हो या काम करने वाले लोग हों जो दिल्ली से आ रहे हैं, उनकी उनसे कनेक्शन है। देखिए ऐसा तो होता ही है कि जो डोमेस्टिक केसेस हैं, यानी कि आपके अंदर जो केसेस हैं वो कभी कभी कम हो जाते हैं और बाहर से आने वाले केसेस ज्यादा हो जाते हैं, यानी कि बाहर से जो संक्रमित लोग अंदर आ रहे हैं सीमा पार करके वो ज्यादा संक्रमण लेकर आ रहे हैं इसकी बजाय अंदर या बाहर से। लेकिन इसके साथ साथ ये बात का भी ध्यान रखना है कि जो एसेंशियल सर्विसेज के लोग हैं जिन्हें मजबूरी में बाहर निकलना ही है, जिनके पास कोई और तरीका नहीं है इस वक्त, उनके घरों में उनको कुछ ज्यादा एहतियात बरतने चाहिए। खासतौर से ऐसे लोगों, अभी तो देखिए बहुत सारे डॉक्टर्स तो अपने परिवार से दूर रह रहे हैं, बहुत सारे पुलिस वाले भी अपने परिवार से दूर रह रहे हैं, पर शायद हर किसी के लिए ये मुमकिन ना हो। ऐसे में आप अपने घर के बच्चों और बुजुर्गों को खास तौर से उनको प्रिवेंट करिए, उनसे दूर रहिए, हो सके तो उनका कमरा अलग कीजिए ताकि आपका और उनका संपर्क कम से कम हो, और आप हमेशा उनसे 6 फीट की दूरी से ही मिले। बाहर से आने के बाद तुरंत हाथ धोए, नहाए, कपड़े बदले, उन कपड़ों को धुलने डालें। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं जो अगर हम करें, और अगर घर में आने के बाद भी हम बिल्कुल ऐसे ही नॉर्मल की तरह से घूमेंगे और ये सब चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे तो जरूर एक व्यक्ति से दूसरे को संक्रमण फैलने की चांसेस है। और अब आजकल तो एसिम्प्टोमेटिक केसेस हो गए हैं गौरव, जहां लक्षण भी नहीं है, पता भी नहीं है कि व्यक्ति को कोरोना वायरस इन्फेक्शन है या नहीं। तो ऐसे में सबसे जरूरी हमारे लिए प्रिकॉशंस लेना ये है, हमारे को ये मान के चलना है कि हमको कोरोना वायरस इन्फेक्शन है, और अगर हमें इन्फेक्शन है तो इस वक्त हमें क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, हम कैसे अपने घर में रहने वाले बाकी परिवार वालों को बचा सकते हैं। अगर ये सोच के चलेंगे तो हम जरूर अपने परिवार को बचा लेंगे, और अगर हम नहीं सोचेंगे तो फिर जैसे आपने देखा ही है एक व्यक्ति से दूसरे में बड़ी आसानी से ये संक्रमण फैल जाता है। ठीक है, अच्छा अभी वेदर बदला है, बारिश हुई है कई इलाकों में, और हमने देखा है कि किस तरह से तेज हवाएं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, और ऐसे में सर्दी जुकाम के मामले बढ़ जाते हैं अक्सर, तो पहले तो क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं आम लोगों को वो बता दीजिए एक बार। देखिए ऐसे में जब खास तौर से मौसम बदलता है तब एक तो एसी एकदम से ऑन ना करें, ज्यादातर हम लोगों का यही होता है कि गर्मी लग रही है एसी ऑन कर लेते हैं। अभी कोशिश कीजिए जितना आप फैन से काम चल जाए उतना अच्छा है, थोड़ा एसी अवॉइड करें तो अच्छा है, क्योंकि उससे थोड़ा ठंड वगैरह जल्दी लगती है, रात में हम ठीक से ओढ़ते नहीं है फिर ठंड लग जाती है। दूसरा मैं ऐसे में बोलूंगी बहुत ज्यादा चिल्ड कुछ भी लेने की कोशिश अभी ना करें, जरूर मन करता है कि आइसक्रीम खा लें, ठंडी कोल्ड ड्रिंक पिए या ठंडा पानी पिए, तो अभी कोशिश करें कि बहुत ज्यादा ठंडा ना पिए। अगर आपको नॉर्मल टेम्परेचर का अब अच्छा नहीं लग रहा है तो थोड़ा ठंडा ले लीजिए, जैसे हम लोग 50-50 कर लेते हैं, आधा ठंडा आधा गर्म ऐसा कुछ कर लें। लेकिन अगर बहुत ज्यादा चिल्ड आप कुछ लेंगे तो जल्दी से गला पकड़ जाता है, और ऐसे में फिर ज्यादा चिंता यही होगी कि क्या कहीं कोरोना वायरस इन्फेक्शन तो नहीं हो गया। तो ये दो बातों का जरूर से ध्यान रखें,
रखें और हाइजीन का तो ध्यान रखना ही है कि बार बार समय से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें और हेल्दी डाइट लें। देखिए जितना हम लोग फ्रूट्स लेंगे, वेजिटेबल्स लेंगे, घर का बना हुआ खाना खाएंगे, उतनी हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। और इस सीजन में और खास तौर से इस वक्त पर हम सबकी इम्यूनिटी अच्छी होनी जरूरी है, तो उसके लिए पूरे प्रयास करें कि आप अच्छी डाइट लें, अच्छे से सोएं, अच्छे से खाएं, ताकि आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहे। ठीक है, आपने एक जिक्र किया कि खांसी हो जाएगा, जुकाम हो जाएगा, तो वो डर सताया गया कि कहीं कोरोना तो नहीं हो गया, तो ऐसे में जब दोनों के लक्षण मिलते जुलते हैं तो कैसे डिसाइड करें कि हमको टेस्ट के लिए जाना चाहिए या हमको सिर्फ एक नॉर्मल सर्दी जुकाम हुआ है, ये कैसे डिसाइड करे आदमी? देखिए अगर आप कहीं बाहर नहीं निकले हैं और घर के अंदर ही हैं, किसी से आपका संपर्क नहीं हुआ है और अब आपको खांसी जुकाम है या आपको ऐसा लग रहा है कि बुखार वगैरह है, तो ऐसे में थोड़ा सा अपने आप को अपने परिवार वालों से दूर कीजिए, एक मास्क लगाइए और कुछ समय के लिए, 2-3 दिन के लिए अपने लक्षणों पर ध्यान दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी खांसी बढ़ रही है, बुखार बढ़ रहा है या आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो तुरंत किसी डॉक्टर से संपर्क करिए। ऐसे में तब चिंता की बात हो जाती है। लेकिन ज्यादातर जो सीजनल खांसी फ्लू होते हैं वो अपने आप समय से ठीक हो जाते हैं, लेकिन उसमें आपको इतनी दिक्कत भी नहीं होगी, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरी सांस फूल रही है या मुझे जो है बहुत तेज बुखार है या बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, पर सीजनल फ्लू जनरली ठीक हो जाता है। अगर आप किसी से संपर्क में आए हैं या आपको लगता है कि आप किसी कोरोना वायरस है, उसकी कोई केयर कर रहा है, उसके संपर्क में आए, तो अगर आपको कोई लिंक ऐसा दिखता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए होंगे जिसको कोरोना वायरस इन्फेक्शन है, तब अगर आपको मामूली सर्दी खांसी जुकाम या बुखार भी हो तो भी एक बार आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ऐसे में संक्रमण होने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई हिस्ट्री नहीं है, किसी से संपर्क में नहीं आए, तो मैं जरूर ये बोलूंगी कि अपने लक्षणों को 1-2 दिन उनको निगरानी रखिए, देखिए कि क्या वो बढ़ तो नहीं रहे हैं, ठीक हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और फिर डॉक्टर से करिए। ऐसे में ठीक है, और इस दौरान जब जुकाम, सर्दी, खांसी और फीवर का हम जिक्र कर रहे हैं कि इस बदलते मौसम के साथ हो सकता है, तो आपने हालांकि कहा जरूर कि अपने आप को फैमिली के दूसरे लोगों से दूर रखें, आइसोलेशन तो जरूरी है ही, और इंडिया में एक प्रॉब्लम है कि हर कोई अपने आप को डॉक्टर ही समझता है, और कुछ भी हो जाए ये दवाई ले लो, पेट खराब हो गया ये दवाई ले लो, बुखार हो गया जी ये दवाई ले लो। क्या वो इस वक्त जो हम नॉर्मली फ्लू में पैरास्टामोल ले लेते हैं, क्या वो करें या रुकें? देखिए अपने आप से तो कोई भी दवा कभी भी नहीं लेनी चाहिए, और लेकिन जो घरेलू नुस्खे हैं जो हम करते रहते हैं कि अदरक का पानी पी लिया और काली मिर्च खा ली, शहद खा लिया, इस तरह की कोई भी चीज आप करना चाहते हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं होता है। ये सब ऐसी चीजें हैं जो हम लोग घर में रूटीन में खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह का आप कुछ भी करना चाहें तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन कुछ भी ज्यादा, जैसे एक पैरासिटामोल की गोली ले ली तो वो भी ठीक है, वो भी अगर आप लेते रहते हैं, आपको पता है कि आपको कोई एलर्जी नहीं है इस दवा से, आपने एक गोली ले ली, कोई बात नहीं है। लेकिन उससे ज्यादा मेडिकेशन खुद से नहीं करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि 2 दिन हो गए मैं सुबह शाम पैरासिटामोल खा रहा हूं फिर भी मेरा बुखार ठीक नहीं हो रहा है, तो ऐसे में जरूर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसे में खुद से नहीं डिसाइड करना चाहिए कि हम क्या दवा खाएं। लोग एंटीबायोटिक तक खा लेते हैं अपने आप से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एक बार किसी भी डॉक्टर से सलाह लें, और आजकल फोन पे भी सारे डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं, बता देते हैं दवाइयां, तो किसी ना किसी से बात करके ही दवा खानी चाहिए, बिल्कुल भी अपने आप नहीं खानी चाहिए। ठीक, ये जो हेल्पलाइन नंबर्स आजकल उपलब्ध हैं, या हरियाणा में तो सरकार ने ऐप भी लॉन्च किया है, इनके थ्रू जो डॉक्टर्स अवेलेबल हैं क्या उनसे बात करके, उनको लक्षण बता के उनसे दवाई लेना सेफ है? हाँ बिल्कुल, देखिए सबको पहले से डिसाइड करके, चिन्हित करके ही डॉक्टर्स को हेल्पलाइन नंबर्स पे उनके नंबर्स दिए जाते हैं, और ये सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने डेडिकेट करी है अपनी सर्विस लोगों को मदद करने के लिए, जो भी, क्योंकि इस वक्त हम सभी देख रहे हैं कि डॉक्टर्स तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है, और कई बार लोग ये भी सोचते हैं कि हल्का बुखार है, अस्पताल जाएंगे वहां कहीं और ज्यादा कोरोना इन्फेक्शन ना किसी से लग जाए, तो हर कोई अस्पताल जाने में इस वक्त डर भी रहा है। और ये बात बोली भी गई है कि अगर आपकी ज्यादा तबीयत खराब नहीं है तो अस्पताल ना जाए ऐसे समय में, तो ऐसे में हेल्पलाइन नंबर्स वगैरह बहुत हेल्प करती हैं, क्योंकि आपके मन में अंदेशा भी हो रहा है कि कहीं कोरोना तो नहीं है या आप दवा के लिए परेशान हैं, तो अगर घर बैठे ही आपको इन हेल्पलाइन से राहत मिल जाए, आपका आपका जो डर है मन में, जो शंका है वो भी दूर हो जाए और आपको दवा भी पता चल जाए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है।
तो ऐसे में जरूर इन हेल्पलाइन नंबर्स वगैरह पे कॉल करें और उनसे मदद लें। अगर आपके पास किसी ऐसे डॉक्टर का नंबर नहीं है जिन्हें आप जानते हैं, तो जरूर से हेल्पलाइंस पे कॉल करके उनसे मदद ले सकते हैं और वो लोग बहुत अच्छा गाइड करेंगे कि कैसे करना है, क्या दवा लेनी है, कब दिखाना है, जरूर गाइड करेंगे। हमारे साथ दो और खास मेहमान जुड़ गए हैं, प्रदीप नरूला जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है प्रदीप जी आपका, और डॉक्टर मुकेश हैं हमारे साथ, भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं अमेरिका में, और इन्होंने एक दावा किया है कि गठिया की दवा से कोरोना के सफल इलाज की बात इन्होंने कही है। मुकेश जी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए आपका भी। धन्यवाद मुकेश जी, आपने जो दावा किया है उसमें कितने लोगों पर टेस्ट किया और उससे क्या नतीजे आए, एक बार हिंदुस्तान के लोगों को बताइए, क्योंकि दुनिया देश दुनिया के लोग जो भी सुन रहे हैं इस वक्त कि फला डॉक्टर ने फला साइंटिस्ट ने कोई ऐसी दवा निकाल ली है जिससे कोरोना ठीक हो जा रहा है, तो उनको एक उम्मीद जाग रही है। जी हमने अपनी लैब में काफी एक्सपेरिमेंट किए हैं, आई एम ए वायरोलॉजिस्ट, तो हम बहुत सालों से मेरी लैब इस टाइप के वायरसों पे काम करती आ रही है। हमने पहले भी बहुत सी अलग अलग दवाइयां टेस्ट की है और हम काम कर रहे हैं, लेकिन जब कोविड-19 आया तो दवाई ज्यादा जरूरत थी, तो हम नई दवाई की बजाय अगर आप जो रिपर्पज करेंगे दवाइयां जो सर, पहले आपकी से आवाज स्पष्ट नहीं तो आ रही है, एक बार टीम से गुजारिश करूंगा कि आपकी आवाज थोड़ा ऑडियो ठीक करें, फिर मैं आपके पास सवाल लेके आऊंगा यही वाला। अब प्रदीप जी, आज मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक हुई और उसमें बहुत सारे कंसर्न्स दोनों ही तरफ से रेज हुए, इकोनॉमिक फ्रंट पर अगर हम देखें तो लब्बुल आप क्या देखते हैं इस बैठक का, आज की बैठक का? जिस परिस्थितियों से देश और प्रदेश गुजर रहे हैं किसी से भी छुपा नहीं है, और निस्संदेह जब बहुत सारी चीजें प्रदेश को करनी पड़ रही हैं, चाहे वो लॉकडाउन हो, चाहे वो उन लोगों की मदद हो जिनके पास खाने का सामान नहीं है, तो वो बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा चीजें, एक तो कमाई बिल्कुल बंद हो गई, स्टेट्स की जो भी कमाई होती थी क्योंकि सब कुछ लॉकडाउन है वो रेवेन्यू आ नहीं रहा, दूसरा एक्स्ट्रा रेवेन्यू खर्च हो रहा है, तो निसंदेह ऐसी स्थिति में प्रदेश इस स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार से आर्थिक मदद जरूर की गुहार लगाएंगे, और वही आज की संदर्भ में जो बैठक थी उसमें वो मांग उठी भी, ये पहली बार नहीं उठी है, पिछली बैठक में भी ये चीजें उठी थी, और मेरे ख्याल से उसके बाद केंद्र ने बहुत सारा फंड रिलीज भी किया था स्टेट्स को, तो आज स्टेट्स ने और फंड की डिमांड की है और निसंदेह उनकी मांग जायज है, और मुझे लगता है कि केंद्र को भी ये चीजें सारी पता हैं, तो उनके हिसाब से उन्हें आर्थिक पैकेज दिया जाएगा। ठीक है, इस आर्थिक फ्रंट पे थोड़ी और बातचीत करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा, बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार जब आएंगे तो लौट कर चर्चा करेंगे कि आपको करना क्या है, सरकारों से खास तौर से केंद्र की सरकार से राज्य सरकारों की क्या अपेक्षाएं क्या उम्मीदें हैं, और दोनों मिलकर इस वक्त और क्या क्या कर सकते हैं, इस पर भी करेंगे चर्चा छोटे से ब्रेक के उस पार। पीएम मोदी के साथ चर्चा में शामिल हुए सीएम मनोहर लाल बोले, कोरोना के संकट काल में हर स्थिति से निपटने को तैयार हरियाणा, प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं पर अनिश्चितताएं दूर करने का किया आग्रह। पीएम मोदी के साथ बैठक के बाद बोले दुष्यंत चौटाला, प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की दी जानकारी, अगले कुछ दिनों में केंद्र सरकार से आर्थिक मदद की उम्मीद। दिल्ली से आने जाने वाले लोगों के हरियाणा आने पर पाबंदी, विज बोले दिल्ली की वजह से हरियाणा में बड़े कोरोना के मामले, दिल्ली में काम कर रहे हरियाणा के लोगों की एंट्री बंद। हरियाणा में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 300 के करीब, अब तक 205 मरीज हुए ठीक, 91 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी, नूह और गुरुग्राम से सामने आए सबसे ज्यादा केस।
सिरसा वासियों के लिए संकट मोचक बने। गोपाल कांडा एमडीके इंटरनेशनल स्कूल के मैदान को बनाया सब्जी मंडी, मंडी एसोसिएशन ने जताया गोपाल कांडा का आभार। कुरुक्षेत्र में राशन न मिलने के चलते लघु सचिवालय पहुंचे फरियादी, परेशान फरियादियों ने जिला उपायुक्त से लगाई गुहार, कहा अमीरों को दिया जा रहा राशन, गरीबों के बच्चे भूखे रहने पर मजबूर। नारनौल में प्रशासन के आदेशों की उड़ाई जा रही धज्जियां, जरूरतमंदों को रेडक्रॉस में नहीं दिया जा रहा खाना, लोगों के जाने पर बंद कर दिए जाते हैं रेडक्रॉस के दरवाजे, जो खाना मिल रहा उसकी गुणवत्ता भी बेकार। नमस्कार, स्वागत है। तो यस, पहले उसका एक पूरा सेफ्टी प्रोफाइल होता है जिसमें ये देखा जाता है कि कितना, कई ऐसा तो नहीं है कोई टॉक्सिक इफेक्ट आ रहे हैं ह्यूमंस में, अलग अलग पहले जानवरों को दिया जाता है ह्यूमन, उसके बाद उसकी एफिकेसी टेस्ट की जाती है कि क्या ये इफेक्टिव है या नहीं है, उसमें काफी टाइम लग जाता है। इसलिए जो ड्रग रीपर्पजिंग होती है जो कि हमारी लैब कर रही है, उसमें जो ड्रग्स पहले से ही है मार्केट में, पहले से ही उनका सेफ्टी प्रोफाइल नोन है, बहुत से लोग बहुत सी अलग सी बीमारियों के लिए उसको लेते आ रहे हैं, हम जानते हैं कि ये सेफ है, तो उसमें क्या होता है अगर आप उस ड्रग को आप शो करते हो कि ये इफेक्टिव है, तो उसमें आपका काफी समय जो होता है सेफ्टी का वो बच जाता है। लेकिन स्टिल आपको ह्यूमन ट्रायल जो कि डॉक्टर की देखरेख में दवाई देना वो आपको स्टिल करने पड़ते हैं, उसके बाद ही वो एक आम आदमी के लिए मिल सकती है, लेकिन उसमें समय। ये दवाई क्या कोरोना होने से बचाएगा या कोरोना होने के बाद ठीक करेगा? देखो ये दोनों तरीके से काम करती है, ये गोल्ड बेस्ड धातु बेस्ड दवाई है, उसमें क्या होता है धीरे धीरे आपकी बॉडी ब्लड में एक लेवल आ जाता है जो कि काफी इफेक्टिव होता है, तो उससे क्या होता है अगर आप इसको प्रोफाइलेक्सली भी यूज करेंगे लाइक वीक और टू वीक बिफोर, तो उसमें आपके काफी आपको इन्फेक्शन फाइट करने में मदद करेगा। और अगर आपको हो जाता है और उसके बाद आपके सिम्टम्स आ जाते हैं उसमें भी अगर आप लेंगे तो उसमें भी ये इफेक्टिव हो सकता है, लेकिन अगर काफी सीवियर डिजीज हो और काफी ऑलरेडी ऑर्गन फेलियर हो चुके हो तब कुछ आप हमें नहीं पता कि तब क्या। ठीक है प्रदीप जी, कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ जी सर, हाँ जी सर, आप जिस दवाई की बात करें आर्य पत्र की जो काम आती है गठिया के में काम आती है, उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं क्या? राइट ट्रैक में थोड़ा पेट में प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर आप देखें तो जो गठिया के मरीज होते हैं वो इस दवाई को कई कई सालों तक लेते हैं, जो पांच पांच दस दस साल से लेते हैं, तो अगर आप कई किसी भी दवाई का बहुत ज्यादा समय तक यूज करते हैं तो उसके साइड इफेक्ट देखते हैं, लेकिन जब आप एक्यूट वायरस इन्फेक्शन जैसा कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन जो कि लोगों में 7 से 14 दिन में ठीक हो जाता है, तो ड्यूरिंग एक्यूट वायरस इन्फेक्शन जब आप डोज इतने कम दिनों के लिए देते हैं या प्रोफाइलेक्सिस 21 डेज के लिए देते हो तो उसमें इतनी टॉक्सिसिटी के चांसेस नहीं होते। एक बार में कितनी डोज दी जा सकती है, कितने एमजी? देखिए अभी तक तो इसकी एक ही टेबलेट होती है जो कि ओरली दी जाती है 6 मिलीग्राम पर, डिपेंडिंग अपॉन जो क्रोनिक कंडीशन है उसमें कई बार कम डोज दी जाती है क्योंकि कई सालों तक देनी होती है, कई बार एक्यूट कंडीशन में हम डोज को ज्यादा बढ़ा के दे सकते हैं क्योंकि हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि हमें सिर्फ कम दिन के लिए ही देनी है। नहीं तो डॉक्टर साहब एक बात बताइए, इसका मतलब कि गठिया के जो मरीज हैं जो ये दवाई खा रहे होंगे उनको कोरोना नहीं होगा? हो सकता है, लेकिन हमारे पास ये डेटा नहीं है। उसका रीजन ये है कि गठिया के लिए बहुत सारी दवाइयां उपलब्ध है, सिर्फ यही नहीं बहुत से चीप ऑप्शन जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन भी बहुत काफी सस्ती है दवाई, तो बहुत सारे लोग वो दवाई भी यूज करते हैं, तो इसलिए ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि कितने लोगों को हुआ। हो सकता है कि बहुत से और लोग ऐसे ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वाली और दवाइयां भी खाते हैं, हो सकता है वो भी प्रोटेक्टिव हो, लेकिन अभी वो डेटा आने में टाइम लगेगा। आई एम श्योर बहुत से लोग कलेक्ट कर रहे हैं वो डेटा को। ठीक है डॉक्टर स्वाति, इसी तरह की एक टेस्टिंग चंडीगढ़ में भी लैब में हुई, वो खबर आपने भी देखी होगी, तो इन सब के बीच क्या एक उम्मीद की किरण आपको दिखती है कि शायद बहुत जल्द, क्योंकि एक नई वैक्सीन नहीं है, जो पुरानी दवाइयां उन्हीं को टेस्ट किया जा रहा है, तो शायद कुछ हो जाए थोड़े आने वाले दिनों में?
गौरव, और देखिए ये एक बहुत अच्छी बात है कि हमें डिजीज प्रोसेस समझ आ गया है, वायरस का ये समझ आ गया है कि जब कोरोना वायरस संक्रमण होता है तो वो हमारे बॉडी का जो अपना इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी के अगेंस्ट ही काम करने लग जाता है, यानी कि हमारी बॉडी में इतने ज्यादा साइटोकाइंस रिलीज होते हैं जो जिससे कि हमारे शरीर को उल्टा नुकसान पहुंचने लगता है। और इसीलिए अभी ऐसा देखा गया है कि जितनी भी ऐसी दवाइयां हैं जो इस प्रोसेस को कंट्रोल कर सकती हैं या इस पर उसका असर पड़ता है, उन सभी दवाइयों से कुछ कुछ अच्छा असर देखा गया है। तो जितना ज्यादा देखें हमें वायरस के बारे में पता चलता जाएगा कि किस तरह से वो शरीर में अंदर जाने के बाद किस तरह की उसकी गतिविधि होती है, कैसे कैसे वो ऑर्गन्स पे इफेक्ट करता है, वैसे वैसे हमारे लिए दवा निकालना उतना आसान होता जाएगा। और इसीलिए देखिए अभी देखा भी गया है कि जितनी भी इस तरह की दवाइयां हैं जो इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स हैं, जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन हो गई, जैसे अभी डॉक्टर साहब बता रहे हैं उधर पीजीआई में माइकोबैक्टीरियम जो लेप्रेसी के लिए पहले वैक्सीन यूज की जाती थी उसको यूज करके देखा जा रहा है, और भी दवाइयां हैं इवरमेक्टिन और जिनके हम नाम सुन रहे हैं, ये सब ज्यादातर ऐसी दवाइयां हैं जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को इफेक्ट करती हैं और जो हमारे बॉडी में एकदम उत्तेजना से जो रिएक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करती हैं, जो वायरस के संक्रमण के बाद होने लगते हैं शरीर में तो उनको कंट्रोल करती हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है कि कुछ कुछ दवाइयों का हम लोग अच्छा रिजल्ट देख रहे हैं, और एक बहुत उम्मीद की किरण मन में आ जाती है कि शायद जल्दी ही इनमें से कोई ऐसी दवा होगी जिसको हम कह सकेंगे कि इसको लेने से कोरोना वायरस इन्फेक्शन नहीं होगा, या हो जाएगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा, लोग क्रिटिकल नहीं होंगे, आईसीयू तक नहीं पहुंचेंगे। तो ये एक जरूर उम्मीद की किरण है और काफी टेस्ट चल रहे हैं इस वक्त गौरव। ठीक है डॉक्टर मुकेश, क्या आपके यहाँ भी कुष्ठ रोग वाली दवाई का इस्तेमाल, उस पर भी ट्रायल हो रहे हैं? हाँ, ह्यूमन ट्रायल चल रहे हैं, काफी और भी कंपनियां हैं जो कि ऐसी ही दवाइयों के क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं, हम भी अपने टेस्टिंग पार्टनर से इंडिया में भी यूएसए में भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो काफी ऐसी दवाइयां हैं जो ऑलरेडी क्लिनिकल ट्रायल्स में हैं और उनके नतीजे जल्दी ही आ जाएंगे। ठीक है प्रदीप जी, हम लोग इकोनॉमी की बात कर रहे थे, मेरा एक सवाल है कि अभी हम जानते हैं कि सारी चीजें बंद हैं और हम ये भी जानते हैं कि शेल्टर होम्स हैं जहां जहां वहां बहुत सारे मजदूर फंसे हुए हैं जो सुदूर इलाकों से हैं, जहां जो वो इलाके जो विकास से दूर हैं, और वहां उनके फैमिली के लोग भी हैं जो इस चिंता में घुल रहे हैं कि मेरा बच्चा है। तो इस वक्त तो दोनों के दिमाग में ये चल रहा होगा, फैमिली के दिमाग में भी और जो लोग यहां फंसे हैं, कि अगर वो यहीं रहते, यहीं कुछ काम धंधा कर रहे होते तो आज कहीं दूर फंसे नहीं होते। देखिए गौरव, तो क्या नहीं, मेरा सवाल कुछ और है इससे जुड़ा हुआ, तो क्या ये सही समय है कि जो लोग शेल्टर होम्स में हैं उनको हम मधुमक्खी पालन, मछली पालन, फूलों की खेती, इस तरह के जो स्किल इंडिया की हम बात करते हैं, जूस पैकेजिंग, ये सब ट्रेनिंग दे दें, क्योंकि वो माइंडसेट भी इस वक्त उनका होगा कि अगर हम घर पे रहते हैं तो सेफ रहते, तो वो विभाग के लोग तो ऐसे भी अभी छुट्टी बना रहे हैं, तो उनको यही हम सिखा दें 15 दिन 20 दिन में, और ये बता दें कि आप जब अपने राज्य जाएं, अपने जगह पे जाएं तो क्या प्रोसेस है, तो क्या एक इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए नहीं होगा? एक देखिए गौरव, दो चीजें हैं, एक तो जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डाइनेस्टी, जिन इलाकों से ये लोग आते हैं, जिन प्रदेशों से वो लोग आते हैं, वहाँ की जनसंख्या, वहाँ के जो रोजगार के साधन है उस पर इफेक्ट करता है, क्योंकि वो संतुलन जब बिगड़ता है तब वो दूसरे प्रदेश में कमाने के लिए निकलते हैं। ठीक है, अगर वहाँ इतने साधन पहले से ही डेवलप होते और संभावनाएं होती, खाली साधन डेवलप होने की नहीं, संभावनाएं होती तो शायद ये जरूरत ना पड़ती। नंबर एक, वहां संभावनाएं कम है। आप कह रहे हैं कि इस वक्त जब मुसीबत आई है उस वक्त ये सुझाव ऐसे, देखिए ये पहली बार ऐसी महामारी देखी, मैं इतने साल का हो गया, मुझे ऐसे कई बार अकाल पड़ा, कई बार भुखमरी भी हुई किन्हीं प्रदेशों में, बारिश ना होने की वजह से या तूफान आने की वजह से, वो छोटी मोटी दैवीय आपदा आती है, लेकिन जिस तरह का पोजिशन, जिस तरह के हालात अब बने हैं शायद इससे पहले कभी किसी ने सोचा नहीं था। आज तभी आपने ये प्रश्न उठा दिया कि शायद ऐसी चीजें डेवलप की होती तो शायद ये लोग वहीं काम कर रहे होते। लेकिन ये बात ठीक है कि यूपी, एमपी, बिहार या हमारे झारखंड या इस तरह के एरिए में वहां रोजगार के साधन इतने डेवलप नहीं किए जा सकते जितनी जितनी पॉपुलेशन का घनत्व है उनके हिसाब से, उन लोगों को बाहर, क्योंकि वह यहाँ संभावनाएं हैं, यहाँ पॉपुलेशन घनत्व तो कम है, काम की संभावनाएं ज्यादा हैं, तभी वो लोग आके यहाँ सरवाइव भी करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं, जब तक ये संतुलन
फिट नहीं बैठेगा तब तक हम ऐसी संभावनाओं को। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि रातों रात हम बिहार में, यूपी में, झारखंड में, एमपी के वो सुदूर इलाके, वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन का नहीं सोच सकते हैं, लेकिन ये कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, इनके बारे में अगर हम स्केल करके भेजे तो क्या नहीं हो सकता? मैं बताता हूँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन आप टेक्निकल बात पे थोड़ा सा मिस कर रहे हैं कि मान लीजिए ये कुटीर उद्योग हम बिहार में किसी इलाके में उनको डेवलप करके दे देते हैं और उस कुटीर का जो प्रोडक्शन है उसकी मार्केट 200 किलोमीटर दूर है, आपको मार्केट भी तो डेवलप चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। कंजप्शन वहां नहीं होगी अगर बिहार के उनके माल की कंजप्शन बिहार में नहीं होगी, अगर बिहार से हमें दिल्ली लाना पड़ गया वो माल तो उनके माल की कोई कीमत नहीं, क्योंकि दिल्ली के आसपास के इलाके बहुत सस्ता माल वहां प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इसी तरह अगर वहां मार्केट डेवलप नहीं होगी, कंजप्शन नहीं होगी, तब तक कुटीर उद्योग कभी भी नहीं पनप सकता। कुटीर उद्योग तभी पनप सकता है, मार्केट होना उन्हीं इलाकों में पनप सकता, खाली मार्केट नहीं, कंजप्शन भी होनी चाहिए। अगर कंजप्शन बहुत दूर हुई तो माल अपने आप महंगा हो जाएगा। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। मैंने यही कहा कि जब तक संतुलन नहीं बनेगा तब तक ये चीजें कारगर नहीं होंगी। ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं हुए होंगे, ऐसा नहीं कि वहां की सरकारों ने ऐसे प्रयास नहीं किए होंगे कि हमारी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त एक तो माइंडसेट है लोगों का इस वक्त, ठीक है, कि अपना धंधा होता तो घर पे होते, और दूसरा मधुमक्खी पालन, शहद अगर वो निकाल लेते हैं और बहुत अगर तादाद में शहद हो भी जाता है, ऐसा कि नहीं है कि शहद की जरूरत नहीं है दुनिया में या शहद का मार्केट है, या फिर हर्ब्स अगर हम उत्पादन कर ऑर्गेनिक खेती कर सकें। गौरव, आपने एक एग्जांपल दिया शहद का, शहद कोई सस्ता प्रोडक्ट नहीं है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, शहद का जो ओरिजिनल शहद है वो काफी महंगा प्रोडक्ट है, और जिस एरिया में प्रोडक्शन की बात कर रहे हो वहां वो शायद इतने महंगे प्रोडक्ट की कंजप्शन ना हो। हम लोग भी शहद इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शहद परिशेबल आइटम नहीं है। नहीं, हम लोग भी शहद इस्तेमाल करते हैं। शहद का दो तरह का इस्तेमाल है, बड़े लोग इसे खाने में, प्रोडक्ट में, या बहुत सारी चीजें, हनी पटाटो, चिली पटाटो, जिस तरह के, ये वो लोग हैं जो एक मिडिल अपर क्लास के लोग हैं वो यूज करते हैं। बाकी जो लोअर क्लास के लोग हैं वो शहद को सिर्फ दवाई के रूप में इस्तेमाल करते हैं, किसी दवाई में मिला के या किसी चीज में, बहुत सारी चीजें। ये तो एक सिर्फ एग्जांपल है, लेकिन मैं बात वही कर रहा हूँ कि क्या कंजप्शन आसपास के इलाके में है। अगर उस शहद को दिल्ली आके बेचना पड़ गया एक कुटीर उद्योग वाले को, तो शायद डाबर उससे बहुत सस्ता अवेलेबल करा देगा, तो फिर डाबर जैसी कंपनियां ही अगर खरीदने लग जाए। देखिए, कुटीर उद्योग अगर डाबर को देगा तो सर्वाइव मेरे ख्याल नहीं कर पाएगा। बड़ी कंपनी, मतलब ये एक एग्जांपल है, हर्ब्स उगा सकते हैं आप आजकल, हर्ब्स बहुत सारी। मैं वही सिर्फ एग्जांपल की बात कर रहा हूँ कि अगर आप अपना प्रोडक्शन, कुटीर उद्योग का प्रोडक्शन सीधा इस्तेमाल करने वाले के हाथ में जाएगा तो सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। अगर वो कंपनी को देगा तो सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है। आप डॉक्टर स्वाति, यही सवाल आपसे भी है कि क्या ये वक्त है, क्योंकि सब कुछ ठहरा हुआ है, वो विभाग जो जिनके जिनको ये काम था कि वो ऐसी चीजों को आम लोगों तक पहुंचाए, और हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, बहुत तरह की बातें करते हैं, इस वक्त सब कुछ ठहरा हुआ है, सब कुछ रुका हुआ है। क्या हम एक फ्रेश स्टार्ट दे सकते हैं ऐसे लोगों को, स्किल करके उनको भेजें, और साथ साथ हम उन विभागों को भी ये कहें, जैसे बिहार है तो बिहार में कौन से प्रोडक्ट्स, मध्य प्रदेश है तो वहां कौन सी चीजें की जा सकती हैं, झारखंड है वहां क्या चीजें की जा सकती हैं, वहां के लेबर्स को वही सिखा के अगर भेजे तो एक ग्रामीण इंडिया से एक इकोनॉमी को बूस्ट मिल सकता है क्या लॉकडाउन के बाद? मेरे ख्याल से अच्छा सुझाव है गौरव, लेकिन जैसे अभी हमारे पैनलिस्ट भी बोल रहे थे उन बातों का भी ध्यान रखना होगा। लेकिन एक बहुत देखिए, इस वक्त ये समय ऐसा है जब माइग्रेंट्स भी इस वक्त सोच रहे हैं कि क्या और ऐसा कर सकते हैं, और उनका स्किल अपग्रेड करना मेरे ख्याल से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस टाइम, क्योंकि अगर वो वहां पर शेल्टर होम्स में है तो समय वो कैसे व्यतीत कर रहे होंगे, उस समय में अगर वो एक अच्छी चीज सीख जाए तो कभी ना कभी तो जिंदगी में ये सब चीजें काम आती हैं, और उन्हें भी एक कोई उम्मीद की किरण दिख सकती है कि शायद ये ऐसा काम है जो हम कर सकते हैं, या हम घर पे एक बार करके देख लेते हैं, क्या पता शायद इसी से हमारा बात बन जाए। लेकिन वहीं पे एक चीज और ये भी ध्यान रखनी होगी गौरव, कि ये लोग आखिर किस वजह से पलायन करके अपने गांव से यहां तक आए हैं, जो वो समस्याएं हैं जिनकी वजह से ये आए हैं उनकी तरफ ध्यान देना भी बहुत जरूरी होगा, क्योंकि वो समस्याएं तो वहीं की वहीं हैं, और उनके क्या तरीके हैं उनको सुलझाने के। देखिए, जो व्यक्ति पलायन करके बाहर आता है केवल उसकी जीविका नहीं है, अगर वहां पे स्वास्थ्य की
की सेवाएं उसके एरिया में अच्छी नहीं है, अगर उसके एरिया में बच्चों की शिक्षा की सुविधाएं अच्छी नहीं है, अगर पानी साफ नहीं आ रहा है, और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो लोकल इश्यूज होते हैं। लगता है कि ये अगर जो वो चीजें भी सॉर्ट आउट नहीं, ये जो क्लास है ये शायद ही इस तक रिक्शा चलाने वाला या मजदूर ये नहीं, मेरे ख्याल से जीवन यापन सबसे पहले देखेगा, शायद वो स्वास्थ्य और एजुकेशन की तरफ बाद की बात करें, वो सोचते भी नहीं है उस क्लास के लोग शायद। डॉक्टर मुकेश हमारी बात सुन पा रहे हैं क्या? लगता है डॉक्टर मुकेश से हमारा संपर्क टूट गया है। ठीक है, अब प्रदीप जी इसके साथ साथ मेरे पास एक और जो है वो बैठे बैठे ऐसे ही दिमाग में आया, मैं वो भी पूछ रहा हूँ आपसे और डॉक्टर स्वाति से भी ये सवाल है कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि पर्यावरण हमारा बहुत साफ हो गया है, नदियां बहुत साफ हो गई हैं, तो क्या ये जो अलग अलग शहरों में अलग अलग जो जगह है, जो नदी के किनारे जगह है जहां शेल्टर होम्स में इस वक्त मजदूर हैं, वहां एक लाज आप नमामि गंगे पर करोड़ों खर्च कर सकते हैं, तो गंगा किनारे वहीं इतने सारे जो मजदूर हैं उन सबको काम पे लगा के वॉर लेवल पे कुछ ऐसा डेवलप किया जा सकता है कि गंगा के किनारे ही एक पैरेलल नाला डेवलप कर लें आप, या कि जो फैक्ट्री का वेस्ट गंगा में जाता है उसको वहां न जाने से पहले ही रोक दें? देखिए देखिए मैं आपको बताऊं गौरव, कुछ बुरे हालात हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा सिखा कर जाते हैं, ये बहुत पुरानी कहानी, क्योंकि हम नेसेसिटी द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आज हमने देखा कि जब सब कुछ थम गया, सोशल डिस्टेंस की बात आ गई कि हम आज तो हम किसी प्रोसेस में नहीं जा सकते क्योंकि हम सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमें सिखा दिया कि वाकई जिन लोगों पे हम जिन चीज़ों पे हम जिक्र करते थे कि पर्यावरण में प्रदूषण फैलाने के कौन कौन से तत्व जिम्मेदार हैं, वो आज जैसे ही थमे पर्यावरण शुद्ध हो गया, यानी कि एक दूसरे को ब्लेम करते रहते कि नहीं इसकी वजह से ज्यादा होता है, इसकी वजह से ज्यादा होता है, तो ये चीजें जब थम गई तो हमें पता लग गया कि वाकई प्रदूषण फैलाने के लिए कौन जिम्मेदार था, वो इंडस्ट्रीज, वो व्हीकल्स, वो सब जिम्मेदार था। तो इन्हीं से शायद अब एक नई सोच उपजेगी कि वाकई इनके थमने से जब इतना कुछ साफ हो सकता है, इतना बदलाव हो सकता है, तो क्यों ना इन पे रोक लगाने से या इनको कम करने से वातावरण को और पानी को शुद्ध किया जा सके। नहीं, मैं बाद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आप मास्क पहनाइए, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक साथ पूरा स्ट्रेच, हर मान लीजिए कोई नदी का किनारा है तो किसी ना किसी शहर से होकर गुजर रहा है, किसी ना किसी एरिया से होकर, वहां जो शेल्टर होम है वही उतना ही दूर करें। इन चीजों के लिए बहुत बड़े लेवल पे पहले प्लानिंग होती है, संभव नहीं है, बहुत बड़े युद्ध स्तर पर प्लान होता है, प्लान की मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों देखी जाती हैं, उसके बाद अप्रूवल होती नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे याद है नितिन गडकरी को मैंने एक इंटरव्यू में सुना था और उन्होंने कहा था कि गंगा को साफ करने के लिए जो जिन फैक्ट्रीज का वेस्ट वहां जाता है उसके लिए वो ऑलरेडी होमवर्क कर रहे हैं, तो अगर उनका होमवर्क है तो क्या इस तरह की चीजें डॉक्टर स्वाति सोची जा सकती हैं, इस तरह की चीजें मनरेगा के जरिए मजदूरों को काम भी मिल जाएगा जहां जहां जो शेल्टर होम में है? मेरे ख्याल से एक अच्छा सुझाव है गौरव, और ये समय भी ऐसा है जब हमें सभी को प्रशासन को भी आत्मचिंतन करने की जरूरत है। पहली बात तो ये कि जो हम हमेशा ये सोचते थे कि पोल्यूशन के कोई अगर ले लें, प्रदूषण को ही ले लें, तो ये हम मान के बैठ गए थे कि ये तो कभी भी ठीक नहीं हो सकता, और पिछले 40 दिनों में ही ये साफ साफ दिख गया कि ये वापस जा सकता है, सब कुछ ठीक हो सकता है, केवल हम लोग के प्रयास करने की देरी है। दूसरा ये भी साफ हो गया कि इस वक्त हमें इनोवेशन की जरूरत है, हमें नए तरीकों की जरूरत है, हमें और भी ज्यादा सोचने की जरूरत है कि कैसे टेक्नोलॉजी को हम लोग इस दिशा में यूज करें कि कैसे हमारा पोल्यूशन कम हो, कैसे हमारी जो और दिक्कतें हैं वो कम हो, तो जरूर सोचने की जरूरत है मेरे ख्याल से। और एक कुछ नए आइडियाज इस वक्त लाने की भी बहुत जरूरत होगी, आर्थिक रूप में भी और समाज के लिए भी, हर तौर से मेरे ख्याल से जरूरत होगी अब नए आइडियाज लाने की, और समय के साथ शायद ये सब भी हो जाएगा। अभी मुझे लग रहा है शायद हम लोग कोरोना वायरस संक्रमण से इतना ज्यादा जूझ रहे हैं और सबकी शक्ति अभी वक्त है कोरोना को हराने का, लेकिन आने वाले समय में मुझे लगता है जरूर। हाँ ठीक है, अच्छा निर्मला सब चलिए अब इन सब इनोवेटिव आइडियाज से बाहर निकल के वापस आते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या आने वाले वक्त में लॉकडाउन खुल जाने की संभावनाएं हैं, या वो जो एरियाज जो ग्रीन जोन में है उनको अंदर अंदर खोल दिया जाए?
खुल जाना जो शब्द है इसे भूल जाओ, अभी अभी खुल जाने की कोई इस शब्द की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अभी ठीक है, कुछ इलाकों में कुछ ढील दी जा सकती है और उसमें बहुत ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये संक्रमण है, इसे हम इसका इलाज नहीं कर पाए हैं अभी तक, सिर्फ हम इससे दूर भाग रहे हैं। और अभी तक जब तक हम इससे दूर भाग रहे हैं अपने आप को बचा रहे हैं, जैसे ही नजदीक आएंगे ये हमारे ऊपर फिर भी आक्रमण कर सकता है, तो इसलिए ये भूल जाओ कि अभी लॉकडाउन की बहुत भविष्य में बहुत नजदीक खुलने की कोई आसार है, अभी वक्त लगेगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ग्रीन जोन जो है जहां अभी तक पहुंचा ही नहीं, क्या उसको अंदर उसके उसके उसकी बाउंड्रीज ना खोली जाए, उन बाउंड्रीज के अंदर चीजें सामान्य करने की कोशिश हो सकती है, उन बाउंड्रीज के अंदर सामान्य करने की कोशिश हो सकती है, लेकिन हमारे समाज में बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जो दूसरे को सामान्य तो देख ही नहीं सकते। जंगल पार करेंगे, नाला पार करके घुस जाएंगे वहां। हाँ, वो आप देखिए ना, वो दूसरे को सामान्य तो देख ही नहीं सकते। आप देख लीजिए तबलीगी जमात वालों ने क्या किया, आप बहुत दूर क्यों जा रहे हो, नहीं तो हम लगभग इसे आराम से टैकल करने की स्थिति में थे, तब तक जरूर थे। हाँ बिल्कुल थे, बिल्कुल ठीक है। तो उस वो चीजें अगर दोबारा उत्पन्न हो गई तो इसलिए अभी भी सचेत रहने की जरूरत है। बहुत ज्यादा देखिए, हम 2000 पे पहुंच गए हैं, 1800 1900 1700 रोज आने लग गए हैं, बहुत ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है कि हम उस स्टेज में बहुत नजदीक आ रहे हैं। अब रोजाना 2000 1500 1800 की तादाद में हमारे यहाँ बिल्कुल बिल्कुल केस आ रहे हैं, और ये केस अगर 2000 5000 और 3000 में बढ़ गए तो बहुत ज्यादा दूर नहीं है यूरोपियन कंट्री से। ठीक, तो इसलिए अभी भी बचाव की जरूरत है, अभी हमें दूसरे किसी भी इनोवेशन के बारे में नहीं सोचना है, अभी हमें कोरोना को हराना है, उसके बाद इनोवेशन के बारे में भी सोचेंगे। ठीक है डॉक्टर स्वाति, आखिरी कमेंट, 3 तारीख के बाद क्या करना चाहिए जल्दी से? मैं भी यही कहूंगी गौरव, की समझदारी और संयम दोनों की इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है लोगों को, हर किसी को, हम सभी को, कि हम लोग समझदारी से अपने कदम उठाएं, जो भी उठाएं, और संयम रखें इस वक्त। बिल्कुल भी ये ना सोचें कि बस एकदम से लॉकडाउन खुल जाए, हमारी जिंदगी वापस नॉर्मल पे पहुंच जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो इस वक्त फूक फूक के कदम रखने होंगे, चाहे आपके एरिया में कोरोना है या नहीं है। चलिए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, बहुत महत्वपूर्ण ये चर्चा। लेकिन जैसा हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने कहा कि अभी बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परिस्थितियां कोई बहुत बेहतर हुई हो ऐसा दिखता नहीं है, नंबर्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए सुरक्षित रहना है तो घरों के अंदर रहिए, घर के बाहर निकल के कोरोना को न्योता देके अपने घर के अंदर ना ले जाइए। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।